गुरुवार को भुवनेश्वर में हजारों आदिवासियों और जनजातीय समूहों ने वन भूमि से बेदखल करने के आदेश के खिलाफ ओडिशा विधानसभा तक मार्च निकाला। इस मार्च में बड़ी संख्या में महिला आदिवासी शामिल हुई। ओडिशा के भुवनेश्वर में गुरुवार को हजारों आदिवासियों और जनजातीय समूहों ने उन्हें जंगल से बेदखल किए जाने के आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल हजारों आदिवासियों ने विधानसभा तक मार्च निकाला। इस मार्च में बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाओं ने हिस्सा लिया। आदिवासियों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट आदिवासियों को जंगल से निकाले जाने का आदेश वापस ले। आदिवासियों के इस प्रदर्शन में कई फॉरेस्ट राइट एक्टिविस्ट ने भी हिस्सा लिया। कभी भी राज्य सरकार कोई इसे प्रमोट करने के लिए कोई कुछ किया नहीं, और अभी सुप्रीम कोर्ट में जिस पर डिसीजन आया, केंद्र सरकार अपना एडवोकेट नहीं दिया, एक तरफा गोल मारा है। अभी स्टे दिया है, लेकिन स्टे टेम्पररी, हम लोगों को परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार जाएंगे तो ये जो आंदोलन और बढ़ोतर होकर देश में तो बड़ा आंदोलन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में अपने एक फैसले में 16 राज्यों की सरकारों से लाखों आदिवासी और जंगलों में रहने वाली जनजातीय समूहों को वन भूमि से बेदखल करने के आदेश जारी किए थे। ये आदेश वनों में रहने के अधिकार के उनके दावों को वन अधिकार कानून के तहत खारिज करने के बाद आया था। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से 25 लाख से भी ज्यादा आदिवासी प्रभावित होंगे। FRA के तहत जंगलों में 3 पीढ़ियों से रह रहे लोगों को जंगल में रहने का अधिकार है, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट में इन दावों को साबित नहीं कर सकी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कई याचिकाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक इस पर रोक लगा दी है। आकांक्षा ठाकुर, गो न्यूज़।